दोस्तों वॉच टाइम क्या है, वॉच टाइम हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और वॉच टाइम कंप्लीट होने पर क्या होता है। मतलब कहने का यह है कि वॉच टाइम से रिलेटेड जो भी बातें हैं आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से सिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरएस तोमर, क्रिएटर की समस्या यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही चीजें बताऊंगा कि आखिर ये वॉच टाइम जो है वो क्या है। लोग वॉच टाइम के पीछे भागते हैं, लोग सर्च करते हैं कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आखिर ये वॉच टाइम है क्या। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप वॉच टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपके चैनल पर वॉच टाइम इंक्रीज होता है, वॉच टाइम बढ़ता है, तो उससे आपके चैनल पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो समझ लो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आज की वीडियो में आपको सही और सटीक जानकारी डिटेल से देने वाला हूं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वॉच टाइम होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलो यही वाला एक वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो मान के चलो मेरा 4 मिनट का है और इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हो। अब आप कितने टाइम तक वॉच कर रहे हो उसे बोलते हैं वॉच टाइम। जैसे आप वॉच कर रहे हो, आपने 1 मिनट तक वॉच किया तो मुझे 1 मिनट का वॉच टाइम मिल जाएगा, इस चीज को हम बोलते हैं वॉच टाइम। अगर किसी का 1 घंटे का वीडियो है, 30 मिनट तक आपने देखा, तो जिस क्रिएटर का वो वीडियो है उस क्रिएटर को मिलेगा आधे घंटे का वॉच टाइम। ठीक है, जितनी देर तक ऑडियंस उस वीडियो को वॉच करती है उतना ही उसको वॉच टाइम मिलता है ना। अब समझते हैं कि भाई वॉच टाइम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूट्यूब पर वॉच टाइम इंक्रीज करने का कोई जेन्युइन तरीका नहीं है और ना ही कोई क्रिएटर आपको इस तरीके से जेन्युइन तरीका बताएगा कि 100% गारंटी है ये काम करो वॉच टाइम आपका इंक्रीज होने लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं कि वॉच टाइम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ना तो कोई मशीन है ना कोई एप्लीकेशन है, ये जो सारी चीजें होती हैं जिनसे आपका वॉच टाइम बढ़ता है ये तो फेक होता है। ठीक है, ओरिजिनल वॉच टाइम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ओरिजिनल वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको वॉच टाइम कंप्लीट करने पर या किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और अपना कॉन्टेंट बेहतरीन बनाने की जरूरत है, लोगों के साथ प्यार दिखाने की जरूरत है, लोगों को आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए, लोग आपके कंटेंट को जितना देर तक वॉच करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वॉच टाइम मिलेगा। और जितना ज्यादा वॉच टाइम आपको मिलेगा, आपके वीडियो पर जितना ज्यादा वॉच टाइम इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा आपका वीडियो यूट्यूब लोगों के पास रिकमेंड करेगा। यूट्यूब को लगेगा यार इसको लोग कंप्लीट देख रहे हैं, मतलब वीडियो में दम है, तो ज्यादा लोगों के पास जाएगा, ज्यादा लोग भी उसको देखेंगे तो भैया और ज्यादा लोगों के पास जाएगा, इस तरीके से आपका वीडियो वायरल होता रहेगा और आपको उसका ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम मिलता रहेगा। और इसी तरीके से लोगों का 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कि वॉच टाइम पूरा होने पर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए आपको अपने चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम इकट्ठा करना पड़ता है एंड 1000 लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। अगर 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हो गए हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका हो गया है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे आपको क्या है ना, आपके वीडियो पर ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके वीडियो पर ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उन एड्स का आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वॉच टाइम क्या है और वॉच टाइम हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया वही तरीका जेन्युइन है। आप अपने वॉच टाइम को इंक्रीज करने के लिए किसी वेबसाइट के, किसी एप्लीकेशन के या फिर किसी फर्जी चीज के चक्कर में मत फंसो, आप अपने दिमाग पर जोर डालो और ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, बेहतरीन कंटेंट बनाओ। जब आप कंटेंट अच्छा बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वॉच टाइम से रिलेटेड जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आपकी कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।